नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज चैनल। वीके न्यूज चैनल पर आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक मिश्रा, वीके न्यूज। आप देख रहे हैं वीके न्यूज चैनल। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं होटल विष्णु बिहार। तो आइए जानते हैं कि आज योगा दिवस के अवसर पर यहाँ अलग अलग प्रकार के योगा सिखाया जा रहा है। आइए जानते हैं, देखते हैं वीडियो में। नमस्कार, वीके न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं पूजा कुमारी। गया में आज दिनांक 21 जून को योग दिवस पर विष्णु विहार होटल में सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक होटल विष्णु विहार के स्टाफ व आसपास के लोगों को भी कराया गया योगा। योग गुरु अभिजीत कुमार का कहना है, करे योग रहे निरोग, रोज सुबह 1 घंटा योगा करना चाहिए। मैं वीके न्यूज चैनल से पूजा कुमारी, देखिए एक रिपोर्ट। इस योगा दिवस में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम अभिजीत कुमार है, ओम। और योग दिवस पे ये बहुत ही अच्छा दिन है कि भाई आज योग दिवस के दिन हमें ये मौका मिला योगा करने का। और सभी लोग से ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग योगा करें, करे योग रहे निरोग। ये योग के माध्यम से बहुत सारे असाध्य रोगों का इलाज किया जा सकता है, जो कि अपने से कर सकते हैं नेचुरल ढंग से, और सारे ऑर्गन को एक्टिव किया जा सकता है। तो इसके लिए प्रातःकाल 1 घंटे का समय सभी को निकाल कर योग जरूर करना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो चाहे वृद्ध हो, स्कूल हो, जहाँ भी मौका मिलता है वो अपना फ्रेश होकर योग करना चाहिए। और योग के शुभ अवसर पर तो हम यही कहेंगे कि सभी को योग करना चाहिए। योग की सभी को बधाई, करे योग रहे निरोग, स्लोगन भी है। हाँ, अभिजीत कुमार, गया बिहार से मैं बोल रहा हूँ, योग टीचर। शुभकामनाएं, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? वेल, आज 21 जून है। 21 जून जैसे कि आप जानते हैं कि विश्व योगा दिवस है, वर्ल्ड योगा डे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारत की संस्कृति जो बहुत ही लंबे समय से चलती आ रही है, इसको कंटिन्यू करें। जो ये बेनिफिशियल है फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर बॉडी, इसको कंटिन्यू करें। इसको एवरी डे अपने यूजेस बुलाएँ। हमने भी आज बहुत दिन बाद इसको फील किया, ठीक है, पैसे तो हर एक साल करते आ रहे थे, बट इस बार अब कंटिन्यू करते आ रहे हैं। इस होटल के माध्यम से हमें ये बेनिफिट हुआ कि ये सारे एम्प्लॉयज़ जो आसपास के लोग थे यहाँ पर आए, उन्होंने योग सीखा। जो लोग नहीं जानते, कोई नई नई चीज़ सीखने का मौका मिला। इन्होंने योगा इंस्ट्रक्टर का अरेंजमेंट किया था, जो कि बहुत अच्छा लगा, जो उन्होंने बहुत सारी चीज़ नई नई चीज़ सिखाई। और मेरी तरफ से यही एक संदेश है टू ऑल द स्टूडेंट्स, टू एवरी बार इन द सिटी, कि एवरी डे इस चीज़ को रेगुलर प्रैक्टिस में लाएँ और अपने हेल्थ को अच्छा बना के रखें। थैंक यू। कितना देरी का आज योगा रहा सर? इट वॉज 1 आवर, 1 घंटे का योगा था, ठीक है। और इस 1 घंटे के और मेरे ड्यूरेशन में लगा ही नहीं कि आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लगा कि बहुत ही रेगुलर वे में कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या लगता है कि होटल में ये हमेशा होना चाहिए? हाँ, नॉट इन योर होटल, आई एम टेलिंग यू, नॉट इन योर होटल, इट्स अराउंड द वर्ल्ड। वेदर आप हॉस्पिटल हो कहीं, आप स्कूल हो, ऑफिस हो, एनी वे, मैं चाहूँगा कि ये चीज़ एवरीवेयर है, हर एक जगह, एवरी डे, एवरी इन द मॉर्निंग, जब भी हो, सूर्य उदय का टाइम हो, जब उसको आप अरेंज करा सकते हैं अपने स्टाफ्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, एक सब्जेक्ट के तौर पे इसको रख सकते हैं, वो बेनिफिशियल होगा मेरे ख्याल से। अधिकतर देखा जाता है कि बच्चे लोग मोबाइल पहले देखते हैं, योगा तो बाद में। ये तो बहुत गंदी चीज़ है, ये मैं पहले से भी बच्चों को बोलता रहता हूँ कि आप जब मोबाइल भी देखते हैं तो बेटर हो कि आप उसमें एक हाफ एन आवर के योगा सेशन देख लें, उस योगा सेशन को आप कंटिन्यू करें। तो जो मोबाइल देखने का आदत है वो छूट के आप योगा पे आप कंटिन्यू कर पाएंगे, जिससे आपको मोबाइल देखने का आदत छूट जाएगा मेरे ख्याल से। योगा दिवस है, योगा दिवस में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो विश्व योगा दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं जी, ठीक है। आज के भाग दौड़ के ज़िंदगी में लोगों के पास टाइम नहीं है कि योगा करके सारे शरीर के विकार को दूर किया जाए। लोग समझता है कि दवाई है ना, मेडिसिन है ना, एलोपैथ, होम्योपैथ, लेकिन शरीर के विकार को अगर दूर करना है तो योगा से बड़ा उपचार नहीं है हमारे समझ से। और भारत में नहीं, पूरे विश्व में इस पर लोग ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। विश्व ही बना रहा है सर, आज के दिन पूरा विश्व ही, आज के दिन पूरा विश्व ही योगा दिवस मना रहा है। और हमारे देश में भी मोदी जी इसके लिए काफ़ी प्रयासरत हैं और काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं हम लोगों को। तो बस उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया है सर। मैंने तो देखा है सर कि होटल के जितने भी कर्मचारी हैं और अगल बगल के जो भी बैंक के कर्मी हैं, वो सब यहाँ पर आए हुए हैं। बड़ा खुशी मिला सर कि आज के दिन योगा के दिन निःशुल्क शिविर
आयोजित किया। योगा दिवस के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ निःशुल्क शिविर आयोजित किया। यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हुए उनको बहुत बहुत बधाई, और ऐसे ही वो योगा डेली करते रहें ताकि वो स्वस्थ रहें और विकार मुक्त रहें। लेकिन सर, अधिकतर देखा जाता है कि जितने भी स्कूल है वहाँ पर योगा नहीं होता है, बच्चे लोग सर प्रेरणा तो है लेकिन योगा टीचर नहीं है। सर क्या कहना चाहते हैं सिर्फ सरकारी प्रशासनिक को कि स्कूल में भी इस तरह का फैसिलिटी होना चाहिए? एकदम ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, और मैं आग्रह करूँगा सारे स्कूल के प्राचार्य से, प्रधानाचार्य से, कि वो अपने स्कूल में इसका व्यवस्था करें ताकि हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं और हमारा भविष्य रोग मुक्त हो सके। कि दवा न